नमस्कार आप सभी को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे क्लास कब से चालू होने वाली, ऑफलाइन क्लास की हम चर्चा कर रहे हैं बेसिकली। और इसके अलावा कई लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कई लोगों की फीस 6 महीने की जमा है। ये संविदा वर्ग 3 का क्या नया बैच चालू होने वाला है या उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं साइंस में। पहले संविदा वर्ग 3 की हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दूं। जो बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जो पुलिस आरक्षक की भर्ती निकलने वाली है, पटवारी की भर्ती निकलने वाली है, उनके बैचेस की किस तरह से जानकारी है। तो उनके जो बैचेस हैं, जिसे हम जनरल बैच कहते हैं, उनके 3 तरह के बैच हैं। पहले बैच होगा सुबह 7:45 पर, दूसरा होगा 10 बजे और तीसरा होगा शाम को 4:15। ये 3 बैचेस की टाइमिंग है, जिसमें अभी सबसे प्राइमरी लेवल पर हम सुबह 7:45 से 10 बजे वाला बैच चालू कर रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा बच्चों ने पूछा था कि क्या स्पेशल बैच चालू होंगे पटवारी या पुलिस आरक्षक के खासतौर पर। प्यारे बच्चों, जैसे ही नोटिफिकेशन क्लियर होगा उसके बाद हम स्पेशल बैच लाएंगे। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, स्पेशल बैच किसी काम के नहीं होते, वो केवल हम लोगों के भले करने के लिए होते हैं। बेहतर होगा कि आप रेगुलर बैच ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से कम फीस में पढ़ते रहें। अगला जो टॉपिक है वो है 6 महीने की फीस वाला। 6 महीने की फीस सबमिट जिन्होंने की, तो 6 महीने की फीस यदि आपने सबमिट की है तो आपको 6 महीने की फीस अगर आपने सबमिट की है तो आपको जो फीस है वो नहीं लगेगी। अब वो किस तरह से, जैसे मान के चलो आपने जनवरी में जमा किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपके हो गए। तो अब आप जब ज्वाइन करोगे तो अगले 3 महीने जमा नहीं होगी, लेकिन अब आप 1 महीने बाद आओगे तो ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने बाद हम अगले 3 महीने देंगे। वो आपकी गणना आज से होगी, उसको आप सेट करो। आप आओ चाहे नहीं आओ, आपका जो कार्ड है वो अपडेट होना चालू हो चुका है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको शेयर करना अपने दोस्तों को। तो आपकी जो कार्ड है, जैसे आप अगर 2 महीने बचे हैं तो आज की डेट से 2 महीने बाद आपके 3। अगर आप 1 महीने बाद आओगे तो आपका केवल 1 महीने बचेगा। अगर आपके 2 महीने बचे हैं कार्ड में तो आपका 1 महीने बचेगा, आप 1 महीने बाद आओ। इसको आप समझ लो, ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन से आप आओ तो उसी दिन से आपकी फीस चालू हो। आपकी फीस आज से चालू हो चुकी है। एक बात, बैच आपका बीच से चालू नहीं होगा कि जहां से आपका छूटा है वहां से चालू। बैच आपके सारे स्कूल से चालू होगा, इसलिए आप अपने नए दोस्तों को भी साथ ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बैच बीच से चालू होगा कि सर हमारा फलाना चीज चल रही थी फलाने से चालू कर दो, ऐसा नहीं है। 9 महीने में मुझे पता है कि आपकी स्थिति क्या हो चुकी है, आप और आप कितने विद्वान। तो बैच आपके जो भी चालू होंगे वो बिल्कुल जीरो से चालू होंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, जीके का हो, रीजनिंग का हो। टीचर आपको तीनों पढ़ाएंगे, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग। और समय फीस सारी वही रहेगी, नए बच्चों को भी फीस नहीं पढ़ाई जाएगी। 6 महीने की 2100 रुपये, हर मंथ की 500 रुपये जो चल रही है वही फीस लगेगी। एक्स्ट्रा फीस नहीं बढ़ेगी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा होगा। क्लियर है? और थोड़ा सा देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस केवल नए बच्चों को लगेगी। पुराने बच्चों को अगर रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं की है क्योंकि कार्ड पूरे अपडेट हो रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वरना रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं लगेगी। कार्ड आपको अपडेट कराना होगा, 21 तारीख के बाद कार्ड अपडेट कराएंगे तो उस पर हम चार्ज भी करेंगे। क्लियर है? कार्ड आपको अपडेट कराना होगा 21 तारीख के पहले, ठीक है? और ये जानकारी मैं दे चुका हूँ कि बैच आपका शुरू से चालू होगा। अब आते हैं वर्ग 3 पर। तो वर्ग 3 का जो भी सिलेबस बचा है उसको हम कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आज है 17 दिसंबर 2020, आज से आपके बैच चालू हो गए हैं। शाम को 4:15 से बैच रहेगा वर्ग 3 का। क्लियर है? और उसमें आपकी फीस नहीं लगेगी, जब तक हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते तब तक आपकी फीस नहीं लगेगी। यदि आपकी कोई फॉर्म फीस वगैरह बाकी है तो वो आपसे ली जाएगी। अभी आपकी टोटल निःशुल्क क्लासें चलेंगी, नए बच्चे चाहे तो पढ़ सकते हैं या उनको इंतजार करना पड़ेगा। अगर जनवरी में पेपर है तो फिर आपकी फीस नहीं लगेगी। यदि डेट बढ़ती है और हम शुरू से नया बैच चालू करते हैं वर्ग 3 का, तो फिर आपकी शुरू से नया बैच की फीस अलग लगेगी। लेकिन अभी हम आपको जो बुला रहे हैं उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नहीं लगेगी, बस आपका कार्ड जमा होगा उसको अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह नंबर ये लिखा है 8820203 09। अगेन मैं बोल रहा हूँ 8820203 09।
उस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करें तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पर आप, आपका कोई भी प्रश्न। क्लियर है? नमस्कार।